हेलो एवरीवन, इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स ने आज 257 पॉइंट्स की बढ़त हासिल की, जो ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिव ट्रेंड के बीच मेजर्स HDFC ट्विंस, ITC और भारतीय एयरटेल में बढ़त हासिल कर रहा है। 30 शेयर BSE इंडेक्स 256.71 पॉइंट्स या 0.52% बढ़कर 49,206.47 पर बंद हुआ। इसी प्रकार NSE निफ्टी 98.35 पॉइंट्स या 0.67 बढ़कर 14,823.15 पर पहुंच गया। देखते हैं आज के टॉप गेनर्स। सेंसेक्स पैक में HDFC 2% से अधिक था। इसके बाद बजाज फिनसर्व, M&M, NTPC, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट और ONGC भी टॉप गेनर्स में शामिल थे। डोमेस्टिक इक्विटी में लगातार तीसरे दिन बढ़त रही और मेनली ग्लोबल क्यूज और कंटिन्यू ट्रैक्शन इन फाइनेंशियल्स एंड मेटल्स में मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार ट्रैक्शन जारी रहा। बेयरिंग PSU बैंक्स ज़्यादातर की सेक्टोरियल इंडाइसेस हरे रंग में कारोबार करते हैं। सिलेक्ट मेटल कंपनीज द्वारा दिए गए मजबूत फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 प्रदर्शन के कारण मेटल स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित रहा और आने वाले क्वार्टर्स में सस्टेनेबल अर्निंग्स मोमेंटम में सुधार हुआ। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं सो एल्सवेयर इन एशिया बॉसेस इन शंघाई एंड हांगकांग लाल रंग में थे, जबकि टोक्यो एंड सियोल पॉजिटिव नोट पर एंड हुआ। यूरोप में स्टॉक एक्सचेंजेस मिड सेशन डील्स में गेंस के साथ कारोबार कर रहे थे। ऑयल अपडेट्स की बात करें तो इस बीच इंटरनेशनल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.25% कम होकर $67.92 पर बैरल पर कारोबार कर रहा था। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो इसके लिए हमारे 5 पैसा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 5 पैसा में आप आपकी इन्वेस्टमेंट आसान और फायदेमंद बना सकते हो। थैंक यू।